हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये आया है UPPCS में, UPPCS 2022 में आया था। इसमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। एक्सप्रेशन जो था वो था 1/6 के पावर 12 इंटू 8 के पावर 25 इंटू 3/4 के पावर 15। ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्या निकालना था? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसमें ये एक्सप्रेशन आपको, तो ये थोड़ा लेंदी टाइप का तो था, टाइम टेकिंग भी था, बहुत लोग इसे नहीं भी किए थे। फिर इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको 1/6 के पावर 12, इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे 8 है तो इसको लिख देंगे हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 25, ठीक है। फिर इसको 3/2 इंटू 2 के पावर 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं। पहले और इसको स्प्लिट करते हैं, तो सबसे पहले कर देंगे 1/2 इंटू 3 के पावर 12, नीचे भी और ऊपर भी कर देंगे, पावर को स्प्लिट करेंगे। फिर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 25 मतलब पावर 25 इंटू 3/2 के 2 है तो 2 के पावर 2 के होल पावर 50, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, और थोड़ा स्प्लिट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जैसे आप एक ये हुआ कैसे ये जैसे, तो इसको हम देखेंगे a/b अगर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/n और b/n, तो यही यहाँ पे यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसको, यहाँ पे और इसे सॉल्व कर देते हैं। अगर 1/12 रहेगा तो इसको क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और इसको और स्प्लिट कर देते हैं 2/12 इंटू 3/12 यहाँ पर, और स्प्लिट करेंगे किस फार्मूला के अनुसार, 2/3 इंटू 25 इंटू 3/15 / 2/2 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, जैसे अगर a/b/n है तो क्या लिख सकते हैं, a/n/b/n, और जो है a/m/n है जिसको क्या लिख सकते हैं, a/m/n, ठीक है। ये यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसको 2/12 है तो ये अगर इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/-12। फिर इसका यूज करके हम ऐसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 के पावर 12 है इंटू 3/12 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1/a/n इज इक्वल टू a/-n, यानी अगर इसको यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। उसी तरह इसका यूज करके जो है 1/2 के पावर 12 तो ये ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ 3/-12 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 इंटू 25 करेंगे तो 2/75 हो जाएगा, और यहाँ पर उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे, और यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा 2/33 और 3/3,
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर टू और थ्री क्या है, प्राइम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन है, इसका पूरा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा, ऐड कर देंगे अपन 3 + 3 इसका तो 36, तो ये आपका जो हो गया टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। यही आंसर था, ये आया था भाई यूपी पीसीएस 2022 वाले में आया था। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई।